दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको ये मालूम है कि जब से विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन बना है, भाजपा हाई कमान सकते में है और वो कोई ढंग से फैसला नहीं ले पा रहा है इंडिया गठबंधन को मात देने के लिए, उसके कुनवा को तोड़ने के लिए, उसकी एकता को भंग करने के लिए। आखिर वो करे तो करे क्या? भाजपा सूत्रों की माने तो भाजपा हाई कमान कई तरीके से इंडिया गठबंधन को समाप्त करने या उसे कमजोर करने के रास्ते पर चल पड़ा है। कई रास्ते उसने सोचे। एक तो रास्ता जो उसका पहले से चल रहा है कि विपक्षी नेताओं को डराओ धमकाओ, अपने साथ मिलाओ और साथ ना मिलें तो जेल भिजवाओ। जैसा कि आपने देखा है, आपके कई मंत्री पहले ही जेल में हैं। अब ईडी ने अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी बुलावा भेज दिया है और संभावना यही व्यक्त की जा रही है कि वो अरविंद केजरीवाल को भी जेल भेज कर ही रहेंगे। तो एक तो फार्मूला भाजपा का ये है विपक्षी दलों से निपटने के लिए। दूसरा ये है कि जिस तरीके से लगभग 28 दल अब तक इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं और कुछ और दल भी अपनी मूक सहमति इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए दे चुके हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यदि आने वाले विधानसभा के इन 5 चुनावों में विपक्षी दल कांग्रेस भाजपा पर भारी पड़े और विपक्षी दलों की जीत हुई तो जो दल अभी तक इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बने हैं उनका भी डर समाप्त हो जाएगा और वो सीधे सरेआम इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकते। लेकिन इसकी काट के लिए आपने देखा है कि आप एनडीए की चर्चा कहीं भी नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही इंडिया गठबंधन बना भाजपा नेतृत्व के कान खड़े हुए और आनन फानन में उन्होंने एनडीए की मीटिंग बुलाई और उसमें 38 दल, यदि इंडिया गठबंधन के पास 28 दल हैं तो उन्होंने अपने साथ 38 दल मिला लिए और वो भी दल कैसे हैं जिनका उनका कोई नाम तक नहीं जाना। जो एनडीए में दल शामिल हुए हैं उनमें से बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेताओं और दलों का लोग, देश के लोग नाम तक भी नहीं जानते। इसके अलावा उसमें ऐसे ऐसे 25 दल तो ऐसे हैं जिनका एक भी सांसद नहीं है। कुछ दल ऐसे हैं कि जिनका एक एक या दो दो एमएलए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हरियाणा में भाजपा जजपा के साथ मिलकर सरकार तो चला रही है लेकिन उसके साथ चुनावी गठबंधन नहीं कर रही। यह सवाल हरियाणा की राजनीति में चारों तरफ तैर रहा है और विशेषकर जजपा के कार्यकर्ता स्थानीय पदाधिकारी दुष्यंत चौटाला से ये सवाल करते हैं कि कहाँ था ये छोटे मोटे दलों को जिनका कोई नाम भी नहीं जानता, जिनके कोई एमपी भी नहीं है या उनके एक एक दो दो एमएलए हैं, उन दलों की भीड़ लगाकर एनडीए का कुनबा बढ़ाया जा रहा है और हमारे साथ छल कपट किया जा रहा है, हमसे दूरी बनाई जा रही, हमारे साथ उन्हें क्या तकलीफ है। जब छोटे छोटे दलों को मिलाया जा रहा है, कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जजपा के तो 10 एमएलए हैं जबकि इनेलो का हरियाणा में सिर्फ एक है। जब वो एक एक दो दो एमएलए वाली पार्टियों को एनडीए का हिस्सा बना सकते हैं तो 10 एमएलए वाली पार्टी को उन्हें एनडीए का हिस्सा बनाने में तकलीफ आखिर है क्या? जजपा के तो सांसद भी रहे हैं, सांसद के चुनाव भी लड़ेंगे वो, और गठबंधन नहीं हुआ तो हरियाणा की 10 सीटों पर लड़ेंगे, हो सकता है राजस्थान में भी जाकर लड़ें। तो वो सवाल कर रहे हैं जजपा के कार्यकर्ता कि हरियाणा में हमारे 10 एमएलए होने के साथ साथ जिन्होंने हरियाणा में भाजपा की सरकार बनवाने में, टिकाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो फिर ये हमारे साथ सौतेला व्यवहार भाजपा क्यों कर रही है? हमें एनडीए का हिस्सा क्यों नहीं बना रही है? कोई नहीं समझ पा रहा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ
जजपा के नेता ही या जजपा के ही कार्यकर्ता ये सवाल उठा रहे हैं? ये सवाल तो हरियाणा की पूरी जनता में है, हर पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, विधायकों में, एमपी में हैं, एमपीज में जो सांसद हैं वो भी उठा रहे हैं कि एनडीए जब इतना बड़ा कुनवा बना चुकी है, 38 दलों को वो शामिल कर चुकी है, तो जजपा से वो क्यों मोड़ रही है? इस सवाल का जवाब किसी के पास भी नहीं है। और भाजपा नेताओं से बात करो, वो नाम तो लेके कहते नहीं कि भाई हमारा नाम मत लेना, लेकिन उनका ये दावा है कि वो प्लानिंग के तहत ही जजपा को अभी फिलहाल दूर रखे हुए हैं, और वक्त आने पर ये साफ कर दिया जाएगा कि भाजपा जजपा से क्यों दूरी बना रही है, क्यों दूरी बनाए रखनी चाहती है। वो सब हमारे भाजपा नेतृत्व के प्लान का हिस्सा है। तो दोस्तों, जो ये जो चर्चाएं हैं इनमें कितना दम है, आप भी देखें कि भाजपा जजपा से क्यों किनारा कर रही है। राजस्थान में भी उनके साथ पार्टनरशिप नहीं की, चुनावी गठबंधन नहीं किया। हरियाणा में भी वो अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। यदि भाजपा नेतृत्व 38 दलों को शामिल कर सकता है तो जजपा को क्यों नहीं शामिल कर पा रहा है? ये सवाल जब तक बना रहेगा, जब तक भाजपा हाई कमान इस पर अपना स्पष्टीकरण ना दे दे। लेकिन जजपा नेताओं को आज भी उम्मीद है, देर सवेर जजपा का गठबंधन भाजपा के साथ हो ही जाएगा। और यदि ऐसा नहीं हुआ, तो यदि जजपा को घाटा हुआ, नुकसान उठाना पड़ा, तो नुकसान भाजपा को भी उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, देखते हैं आने वाले दिनों में जजपा को लेकर भाजपा क्या फैसला लेती है, कब उसको कब एनडीए का हिस्सा बनाएगी, या फिर इनके बीच की राड चलती रहेगी और दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का विश्लेषण। जजपा के एनडीए में शामिल ना होने पर जो सवाल उठ रहे हैं, तो उन सवालों के जवाब क्या हो सकते हैं, आप लोग भी सोचिए, या आप बताइए। मैं दर्शकों से भी पूछना चाहता हूं कि जजपा को एनडीए में स्थान क्यों नहीं मिल रहा है, भाजपा क्यों नहीं उसे एनडीए का हिस्सा बना रही है। लेकिन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस पे सच्चाई क्या है, भाजपा के मन में क्या है, वो क्यों जजपा से दूरी बनाकर रखना चाह रही है, ये सब तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। तो दोस्तों, ये था मेरा मुद्दा आज का, हरियाणा की राजनीति में जजपा और भाजपा के संबंधों को लेकर या चुनावी गठबंधन न होने को लेकर। इसी के साथ मेरी बात समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार, देखते रहिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।